ये आस्था की डुबकी है। आज देश भर में मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जा रहा है। आस्था, परंपरा और उत्साह के पर्व मकर संक्रांति पर श्रद्धालु सूर्य की उपासना में जुटे हैं। सूर्य देव भगवान का भक्ति से जपिए नाम, सूर्य देव भगवान का। श्रद्धालु संगम समेत गंगा यमुना के घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साक्षात शुभ देवता कीजे सत्कार। घरों में पारंपरिक रूप से खिचड़ी बनाई जा रही है। शिव की नगरी वाराणसी में भी हजारों की संख्या में भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई और गंगा आरती में शामिल हुए। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हजारों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाने मंदिर पहुंचे। नेपाल के साथ साथ बिहार, राजस्थान, दिल्ली से यहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंगलवार से ही ये भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। भक्त लाइनों में लगकर गुरु गोरखनाथ के जयकारे लगाते नजर आए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा गुरु गोरखनाथ जी को अपने श्रद्धा की खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। नेपाल, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इस सभी प्रदेशों से काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु बाबा गुरु गोरखनाथ जी को अपने आस्था की खिचड़ी चढ़ाते हैं। ऐसा लोगों के मन में विश्वास है कि बाबा गुरु गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाने के बाद उनकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। देखिए, ये हम लोग नाथ संप्रदाय का, हिंदू संप्रदाय का बहुत ही माना जाना पर्व कहा जाता है। और खिचड़ी मेला चूँकि काफ़ी दूर दराज देहातों से भी लोग आते हैं, सुख शांति समृद्धि और सब विकास के लिए हम लोग कामना करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मंदिर में सुरक्षा और दर्शन के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा व्यवस्था रहती है, कभी हम लोगों ने किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुआ और बहुत अच्छे से मतलब बाबा व्यवस्था करते हैं यहाँ का। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग आए हैं बस बगली से, पासी में से हम लोग आए हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। वहीं गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मकर संक्रांति के पर्व पर पूजा अर्चना की। योगी ने बाबा के सामने शीश नवाया और साथ लाई हुई खिचड़ी चढ़ाकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। ये जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है। इस चराचर जगत में जहां भी जीव सृष्टि है, जगत पिता सूर्य के कारण है।
उनकी उपासना का पर्व होने के नाते सबके जीवन में जीवंतता आए, एक नए उमंग एक नए उत्साह के साथ सभी लोग अपने दिनचर्या को आगे बढ़ा सकें, मैं इस बात की शुभकामनाएं भी देता हूं। वहीं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी मकर संक्रांति के पर्व की रौनक देखी जा रही है। शिमला में सतलुज नदी के किनारे हजारों श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर आरती की और सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मकर संक्रांति के इस आयोजन में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।